नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के देखिए 6 बज चुके हैं और यहाँ मेरा काम चल ही रहा है। झाड़ू वगैरह मैंने सारे लगा दी, पानी गर्म कर दिया, गुड्डू का काफ़ी सारे काम है जो निपटा दिए हैं। और इधर मैंने रख दिए थे छोले उबलने के लिए, और अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए छोले, क्योंकि आज स्कूल में लेकर जाने उनको, मतलब सब लंच में चुके हैं। बस मुझे तड़का लगाना, गुड्डू गई है नहाने के लिए। गुड्डू मोटर चला दूं क्या? गुड्डू नहा लेगी, बस मैं उसके लिए लंच तैयार कर दूंगी। और ईशु भी उठ गया आज जल्दी, ईशु को रोज उठाते हैं, वो उठती भी नहीं। आपका दिखा दूं तो देखो, आज अपने आप ही उठनी। क्या बात, आज इसका मन कर गया उठने का। और साहब भी आज इस तरह में ही है, वरना मैं तो पहले उठ गया रोज। और आज उठे, क्या बात, नींद आ रही वरना तो ठाई थी, फिर क्यों उठे, लेट जाओ अभी तो। हाँ अभी तो 6:30 बजे जागी, मैं सब्जी छोंक दूँ बस गुड्डू की। 7:45 6:40 पर जागे गुड्डू, तो तब तक मैं बस खाना बना के तैयार कर दूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ये तड़का लगाना शुरू कर दिया, मतलब तड़के की तैयारी कर दी है। प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी और छोले अच्छे से उबल चुके हैं, तो बस मैं ये उतार के साइड में रख दूँगी। अभी खोलूँगी नहीं कुकर को, क्योंकि अभी तड़के में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मैं कहा चलो इतना और अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने सुबह ही सबसे पहले उठ के तो छोले ही रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि राजमा जल्दी बॉईल हो जाता है, छोलों में टाइम लगता है। और सोडा वगैरह तो मैं नहीं डालती जिससे जल्दी हो जाए। बाकी ये अच्छे थे, बहुत बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, ये नहीं थे कि हार्ड से। कई बार वो आ जाते हैं जो हार्ड से रहते हैं ना, तो वो अच्छे से बॉईल नहीं होते, तो मैंने साइड में रख दिए हैं। और इधर तड़का लगाना शुरू कर दिया, प्याज चॉप कर ली है, तो कढ़ाई चढ़ा ली। कढ़ाई में ऑयल वगैरह डालकर, तड़के की मिर्च डालकर, धनिया जीरा और प्याज को भून लेंगे। तो जब तक प्याज भुनेगी, जब तक फिर मैं टमाटर भी चॉप कर लेती हूँ चॉपर में, तो वो भी हो जाएगी। तो इधर देखिए तड़का हमारा हो गया, बल्कि थोड़ा सा तेज सा ही हो गया, मतलब प्याज ज़्यादा थोड़ी तेज सी होगी। फिर मैंने टमाटर डाल दिया, फिर उसमें डाल दिया हल्दी, नमक, मिर्च मसाले जो भी डालने, बस मैंने हल्दी नमक और मिर्ची डाले, बाकी कुछ नहीं डाला। और इसकी ग्रेवी हम अच्छी तरीके से पका के कर लेते हैं तैयार। धनिया पाउडर डाला, और बस जब तक ग्रेवी में भी टाइम लगेगा, टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, तो तब तक मैं इधर आटा लगा के रख दूंगी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर रोटी भी जब सॉफ्ट आटा होता है ना, तभी अच्छे से बनती है। तो यहाँ लगा देती हूँ आटा। इधर हमारी जो ग्रेवी है टमाटर की, खूब अच्छे से भुन गई। आप कलर भी देख रहे होंगे, क्योंकि तड़के का थोड़ा तेज हो गया था, तो इसका भी हो गया। और ऑयल छोड़ दिया है, ग्रेवी में से ऑयल निकल गया। और जो छोले थे वो भी मैंने खोल लिया, गैस निकाल के, और यहाँ पे उनमें अच्छी तरीके से चमचा सा मार दिया, जिससे कि थोड़ा मतलब फूट सी गया, तो ग्रेवी गाढ़ी सी हो जाएगी। और उसमें डाल दिए कढ़ाई में, और बस थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दूंगी। ठंडा पानी सब्जी में हमें नहीं डालना चाहिए, वैसे तो डाल देते हैं, लेकिन अगर गर्म डालते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है मेरे हिसाब से। मैं ज़्यादातर सब्जी में अगर मुझे दोबारा पानी डालना होता है तो मैं गर्म ही डालती हूँ। तो गर्म पानी मैंने करके डाल दिया, साइड में रख दिया सब्जी पकने के लिए, मक्का पक जाएगी अच्छे से। और इधर बस रोटी बनानी कर दी है शुरू। और रोटी का तो आप पूछो ही ना, सुबह तीन बार तो मुझे बनानी होती है। सुबह ही मैं गुड्डू के लिए बनाती हूँ, फिर ईशु से पूरा 1 घंटा बाद जाती है, तो फिर ईशु के लिए बनाती हूँ। बल्कि कई बार इसके पापा मुझे बोल देते हैं कि तू साथ साथ बना दिया कर दोनों की, लेकिन मुझे ये रहता है कि नहीं, 1 घंटे बाद बना दूंगी, फिर और ज़्यादा ठंडी हो जाती है लंच में, तो इस वजह से। तो यहाँ पे गुड्डू के लिए मैंने तैयार कर दिया, लंच वगैरह पैक कर दिया है। सब्जी अभी थोड़ी सी गाढ़ी सी लग रही थी, गुड्डू की निकाल कर फिर मैंने थोड़ा पानी और डाल कर पकने के लिए रख दी। अभी तो ईशु जाएगी लेट, तो जब तक वो ठीक हो जाएगी, तो बस लंच गुड्डू का पैक कर दिया। और इधर गुड्डू भी देखिए तैयार हो गई है, उसका पानी वगैरह तो मैं पहले ही लगा देती हूँ, बस जब तक मैं खाना बनाती हूँ वो तैयार हो जाती है नहा धो के। और इधर बस मैं बनाने लगी अब उसकी चोटी,
बालों की। और पहले तो जब इस वाले स्कूल में जाती थी, इस वाले में तो दो चोटी बनानी पड़ती थी, लेकिन अब तो एक ही बनती है तो जल्दी बन जाती है। तो इधर मैंने गुड्डू को खाने के लिए भी दे दिया, और दोनों बहनें एक रोटी में से भी छोड़ देती हैं, एक ही खाती हैं दोनों। और मैं इस वैसे ना करती रहती हैं कि मम्मा मतलब सुबह ही ना मन नहीं करता खाने का, लेकिन फिर भी मैं देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये तो फ्रूट वगैरह भी नहीं खाती, इसे तो फिर भी खा लेती है, सेब वगैरह अगर हो तो मगर नहीं घर से ना खा के जरूर जाना चाहिए, मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ, मगर नहीं खा के जरूर जाते हैं, तो आधी रोटी खा के जाती है। तो इधर अब मैं पानी लगाने लगी हूँ, इसमें इशू ना आएगी, और जो बाकी बचेगा फिर मैं इसमें ये कर दूंगी, क्या नाम, कपड़े धो दूंगी। कपड़े भी मुझे आज धोने, क्यों जो पहले बचे रहते हैं धोने वाले वो, और फिर 2 दिन हो गए और भी धुले हुए तो वो भी धोने। तो इधर सुबह की भाग दौड़, मतलब मैं 5:15 या 5:30 बजे उठ जाती हूँ डेली अब, क्योंकि गुड्डू 6:30 बजे निकलती है, तो उसकी वजह से 6:40 तक के वो चली जाती है, तो उसके लिए जल्दी उठना होता है, तो फिर सुबह ही अपनी काम की तो पता ही आपको शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ इसके पापा जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए, स्कूटी इन्होंने निकाल दी और वो भी रेडी होगी, अब जाएगी बस, तो मैं भी बाय कर देती हूँ। और मुझे ना जब तक मैं बच्चों को बाहर जाके बाय नहीं करती तो मुझे ना तसल्ली सी नहीं होती, ये रहता है नहीं, और बच्चे भी देखते रहते हैं कि मम्मा नहीं आई, कई बार हो जाता है जैसे मेरा कुछ काम में लगी रहती हूँ तो वेट वेट करती रहती है खड़ी है कि मम्मा नहीं आई, तो इसी वजह से फिर मैं उनको बाय करके जब भेजती हूँ। तो वे चले गए इसके पापा इसको छोड़ने के लिए, और इधर बस मैं अपना अब लगाऊंगी मशीन, नहीं पानी लगा दिया, अब मैं करूंगी ईशु के लिए तैयारी। तो इधर ईशु का लंच कर देती हूँ पैक, ईशु का पानी भी हो गया, थोड़ी सी देर में उसके पास बैठी अंदर, उसको उठाई, फिर उसने ब्रश वगैरह कर लिया, और यहाँ पे देखिए अब वो नहाएगी, तो मैं उसको बोल रही हूँ मका बेटे पानी हो गया तेरा, चल नहा ले। तो जब तक वो नहाएगी तब तक मैं अपना थोड़ा सा किचन को साफ सा कर दूंगी और इसका लंच बना कर पैक कर दूंगी यहाँ पे। हाँ अभी तो मैंने सब्जी लगाई, इसकी रोटी बनानी अभी रह रही, मैं बाद में भी बना दूंगी इसको तैयार करने के बाद, बाद में ही बनाती हूँ मैं। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सारे मैं सिंक में कर दूंगी, थोड़ी सी रसोई को कर देती हूँ खाली, क्योंकि सुबह कुछ ऐसी सब्जी वगैरह बनती है तो थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। तो इधर देखिए बस ईशु क्या नाम, ये बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे कर दिए, टोकरा जिता लिया, अब ये बर्तन भी कर लूंगी, और यहाँ पे बस ईशु अपना नहाने लग रही है, वो तैयार हो जाएगी, तैयार होने लग रही, पानी उसका रख देती हूँ मैं, तो वो अपना नहा धो के तैयार हो जाती है पूरा। तो मुझे अभी बस उसकी रोटी रोटी बनानी, तो मैंने सोचा चल जब तक रोटी भी सब्जी लगा दी बस रोटी बनानी, तो वो तैयार हो जाएगी, आधा घंटा था मेरे पास जब तक, तो मैं ये बर्तन वगैरह कर दूँ। और सुबह ही देखे रात का इसमें कोई बर्तन नहीं है, एक दो बस दूध के ही होते हैं, मतलब जिसमें दूध गर्म करती हूँ और पीने के लिए देती हूँ, बाकी ये सब सब बर्तन अभी के ही हैं। और सुबह ही तो आपको पता ही है बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और जैसा छोले उबाले फिर उनको पहले भिगोने में रखे थे, भिगो के फिर कुकर में उबाले फिर तड़का लगाया, तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैंने सोचा चलो जब तक मेरे पास टाइम है तो ये बर्तन वगैरह मैं कर लेती हूँ, अच्छी तरह साफ कर दूंगी और मेरा काम भी और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आंटी तो अभी आई नहीं रही है, 1 हफ्ता हो गया आंटी को आए हुए, फ्राइडे को आई थी मैं, उसके बाद नहीं आई, अभी पता भी नहीं कब तक आएंगी, अभी तक तो उनका कोई फोन कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। तो यहाँ मैं लग रही हूँ देखिए जी फटाफट, और ढेर लग गया पूरा, और बस इनको धो के मांज के रख दूंगी। तो बस बर्तनों का काम हो गया, अब बारी आ गई ईशु की रोटी बनाने की, तो वो भी बना दूंगी, देखिए दूसरी बार बना रही, पहले गुड्डू के लिए बनाई, अब ईशु के, कन्हैया भी उठ गया, वो भी पानी वगैरह पीने लग रहा गर्म, तो पता नहीं, हाँ मैं कुछ करने आ गई थी तो कन्हैया वहाँ पानी ले रहा था, मैं कहा चलो जाके बनाऊंगी, और यहाँ पे बस फिर मैं आ गई थी बिस्तरे रखने के लिए, मैं कहा चलो जब तक ये बिस्तरे रख दूँ, इसके पापा फोल्डिंग उठा रहे थे और ईशु दे के तैयार होगी और बस ये बिस्तरे उठा देंगे, क्योंकि जब भी सुबह की ऐसी भाग दौड़ होती है, जब भी चाहे 2 मिनट मिले 10 मिनट मिले, तो उसे यूँ लगता है कि फटाफट इसमें काम कर लो, वरना तो लेट हो जाते हैं फिर।
लेट हो जाएंगे। तो मेरा यही रहता है कि चाहे 2 मिनट मिलो चाहे 10 मिनट मिलो, तो मैं उसको यूज करती हूँ। ये नहीं है कि बैठ गई बीच में, मतलब चाहे मैं थोड़ा भी काम करूँ उसमें थोड़ा होगा तो वही कर लेती हूँ, मैं बिल्कुल भी बैठती नहीं छोड़ के। और इसीलिए ज़्यादातर मेरा घर का काम आपने देखा ही होगा पूरा टाइम पे ही होता है, टाइम टेबल मेरा अधिकतर बहुत कम होता है आगे पीछे, लेकिन ज़्यादातर मतलब नॉर्मली रहता है कि इसी टाइम मेरा काम हो जाता है सुबह ही जल्दी, और पूरा दिन मेरा घर बिल्कुल सेट भी रहता है। आप देखते होंगे क्योंकि मेरा सारा काम का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब फिक्स है, ये नहीं है कि आगे पीछे करने का। तो बस ईशु की रोटी भी पैक कर दी और अब बारी आ गई है ईशु की कंघी करने की। ईशु को कंघी करके और अब बस मैं भेज दूंगी। बाकी की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज का जो भाग दौड़ है सुबह की 5 बजे से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी काम हुआ, तो वो क्या क्या किया वो आपको आके वीडियो में दिखाऊंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।